गरीब पढ़ाकू स्कूल स्टूडेंट। एक गांव में मीनाक्षी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। मीनाक्षी का परिवार बहुत ही गरीब था और उसके पिता सुरेश उसको पढ़ाने और अपना घर चलाने के लिए लोगों के यहाँ मजदूरी किया करते थे। क्योंकि मीनाक्षी को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, इसलिए उसके माता पिता ने गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया था। और मीनाक्षी के स्कूल की फीस भरने के बाद उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे, इसलिए वो मीनाक्षी को हर साल न्यू यूनिफॉर्म और नई किताबें नहीं दिलवा पाते थे। इसलिए मीनाक्षी को सेकंड हैंड किताबों से ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन मीनाक्षी पढ़ाई में इतनी होनहार थी कि उसकी किताबें नई हो या पुरानी, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती थी। और ऐसे ही आज भी मीनाक्षी भागते हुए अपने स्कूल जा रही होती है, और जब वो अपनी क्लास में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी क्लास तो कब की शुरू हो चुकी है। और उसे लेट आता देख उसकी क्लास टीचर उसे गेट पर ही रोक देती है। मीनाक्षी, वहीं रुक जाओ, आज तुम फिर लेट आई हो। तुम्हारा रोज का यही काम है, इसलिए आज तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम आज पूरा दिन क्लास के बाहर ही खड़ी रहोगी। लेकिन मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसलिए मैं रोज लेट हो जाती हूँ। ये सब मैं नहीं जानती, आज तुम पूरा दिन क्लास के बाहर ही खड़ी रहोगी। और इस तरह टीचर के कहने पर मीनाक्षी चुपचाप क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन क्लास के बाहर खड़ी होकर भी वो टीचर की पढ़ाई हुई सारी बातें ध्यान से सुनती है। और ऐसे ही कुछ देर में जब सारे क्लासेस खत्म हो जाती है तो टीचर बाहर आकर उससे कहती है, मीनाक्षी, अगर तुम कल से क्लास में लेट आई ना तो मैं तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दूंगी। और ये क्या, तुमने अभी तक अपनी न्यू यूनिफॉर्म नहीं ली? मैडम, वो अभी मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो वो मेरे लिए नई यूनिफॉर्म ले आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तुम घर जाओ, काफी देर हो रही है। और इस तरह मीनाक्षी की फटी हुई यूनिफॉर्म को देखकर क्लास के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन मीनाक्षी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी और चुपचाप घर आकर वो टीचर की पढ़ाई हुई सारी चीज दोबारा से पढ़ती है। और पढ़ाई करने के साथ साथ वो अपने माता पिता की कामों में मदद भी किया करती है। और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया और मीनाक्षी अपनी 5वीं क्लास के परीक्षा में पास हो जाती है और पूरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आती है। और ये बात जब वो घर जाकर अपने माता पिता को बताती है तो उसके पिता सुरेश कहते हैं, मीनाक्षी बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस तुम ऐसे ही मन दिल लगाकर पढ़ाई करती रहो, देखना एक दिन तुम जरूर एक बड़ी अफसर बनोगी। लेकिन पिताजी, क्या मैं इस बार भी पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करूँगी? क्या आप मुझे इस बार भी नई किताबें नहीं दिलवाओगे? मीनाक्षी के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो मीनाक्षी को नई किताबें दिलवा सके। लेकिन इस बार मीनाक्षी की ये बातें सुनकर सुरेश बहुत परेशान हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी समय उसकी माँ शांति उससे कहती है, मीनाक्षी बेटा, तुम्हें तो अपने घर के हालात पता है ना, कि हम जैसे तैसे करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो फिर तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब होना चाहिए ना, फिर चाहे तुम्हारी किताबें नई हो या पुरानी, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है माँ। और इस तरह मीनाक्षी इस बार भी अपने किसी सीनियर से पुरानी किताबें सस्ते दामों पर खरीद लेती है। उसी समय उसकी क्लास की कुछ लड़कियाँ उसकी पुरानी किताबों को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे ये क्या मीनाक्षी, तो इस बार भी ये फटी पुरानी किताबें लेकर आई है? अरे कम से कम नई क्लास में नई किताबें तो खरीद लेती। अंजलि, किताबें नई हो या पुरानी, हमें तो सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए ना, और तुम देखना इस बार भी मैं ही क्लास में फर्स्ट आऊंगी। इतना कहकर मीनाक्षी इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और उसे अपने घर की गरीब स्थिति के बारे में पता था, इसलिए वो कभी भी अपने माता पिता से किसी भी चीज की डिमांड नहीं करती थी। उसे जो कुछ भी मिलता था वो उसी में खुश हो जाती थी
और स्कूल में दूसरे बच्चों की तरह वह तरह तरह के पकवान नहीं लाती थी। ऐसे ही स्कूल में एक दिन लंच टाइम के समय मीनाक्षी की दोस्त उससे कहती है, अरे मीनाक्षी चलो लंच करते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और तुम्हें पता है आज मेरी मॉम ने मुझे शाही पनीर बना कर दिया है। उसी समय वहाँ पर मीनाक्षी की एक दूसरी दोस्त भी अपना लंच बॉक्स लेकर आती है और कहती है, अरे मीनाक्षी तुमने अभी तक अपना लंच बाहर नहीं निकाला, ये देखो मेरी मॉम ने आज मुझे ये नूडल्स बना कर दिए हैं। उन सब के लंच बॉक्स में स्वादिष्ट खाने को देखकर मीनाक्षी हिचकिचाते हुए कहती है, वो आज मैं अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, तुम लोग अपना अपना लंच कर लो। अरे पर मैंने अभी तो तुम्हारे बैग में तुम्हारा लंच बॉक्स देखा था, जरा दिखाओ अपना बैग। इतना कहकर मीनाक्षी की दोस्त जबरदस्ती उसके बैग में से लंच बॉक्स बाहर निकालती है और जब उसे खोल कर देखती है तो उसके अंदर दो सूखी रोटी और एक अचार रखा होता है। और ये देखकर उसकी दोस्त कहती है, अरे ये क्या मीनाक्षी, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें रोटी और अचार दिया है, अरे भला ये कैसे खाना हुआ, तुम ऐसा करो तुम मेरे लंच में से खा लो, तुम्हें भी तो स्वादिष्ट खाना खाने का मन करता होगा ना। नहीं सुमन तुम अपना खाना खा लो, मुझे तो रोटी और अचार खाने की आदत है और वैसे भी खाना तो हम अपना पेट भरने के लिए खाते है ना, फिर चाहे वो अचार रोटी से भरे या शाही पनीर से। इतना कहकर मीनाक्षी अपना लंच बॉक्स लेकर क्लास के बाहर चली जाती है और हॉल में बैठकर चुपचाप अपना लंच करने लगती है। और इस तरह समझदारी और संघर्ष के साथ मीनाक्षी अपनी पढ़ाई जारी रखती है, फिर चाहे उसकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां या मुश्किलें आ जाए, वो अपनी पढ़ाई में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करती थी और हर साल हर क्लास में फर्स्ट आया करती थी। और ऐसे ही एक दिन, सुनिए मीनाक्षी अब बड़ी हो गई है और आठवीं कक्षा में चली गई है तो उसकी यूनिफॉर्म बहुत पुरानी और छोटी हो गई है और कई जगह से फट भी गई है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार हम मीनाक्षी के लिए नई यूनिफॉर्म खरीद ले। मुझे पता है शांति, पर मैं क्या करूं? मैं जितना कमाता हूं उसमें सिर्फ हमारे दो वक्त की रोटी और मीनाक्षी के स्कूल की फीस और किताबें ही हो पाती है, और अगर मैंने उन पैसों में से मीनाक्षी की यूनिफॉर्म खरीद ली तो मैं उसकी किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। सुनिए मैं क्या सोच रही थी कि मैं भी कोई काम ढूंढ लेती हूँ, इससे हमारे घर की थोड़ी बहुत परेशानी दूर हो जाएगी और हम मीनाक्षी को अच्छे से भी पढ़ा पाएंगे। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, इससे हम अपनी मीनाक्षी के लिए नई यूनिफॉर्म भी खरीद पाएंगे। मीनाक्षी अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है और अपने मन ही मन कहती है, माँ पिताजी आप लोग मेरे लिए जितना भी संघर्ष कर रहे हैं ना, देखना एक दिन मैं इस दुनिया की सारी खुशियाँ आप दोनों के कदमों में लाकर रख दूंगी। और इस तरह शांति अगले दिन से ही लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है और अपने मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर वो मीनाक्षी को नई यूनिफॉर्म और किताबें दिलवाती है। लेकिन जब ये बात उसकी क्लास के कुछ लड़कियों को पता चलता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे मीनाक्षी क्या बात है, आज तो तुम अपनी नई यूनिफॉर्म पहन कर आई हो। अरे पहन कर क्यों नहीं आएगी, इसकी माँ ने मेरी मॉम से पैसे जो उधार लिए हैं क्योंकि इसकी माँ मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करने का काम करती है। अरे क्या तुम सच कह रही हो। मीनाक्षी उन लड़कियों की इन बातों का कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप जाकर अपनी क्लास में पढ़ाई करने लगती है। और ऐसी ही समय के साथ साथ मीनाक्षी अपने 10th का एग्जाम देती है और जब कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आता है तो उसकी क्लास टीचर उससे कहती है, मीनाक्षी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और मेहनती भी, इसलिए आज तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिलने जा रहा है। तुम्हें पता है तुमने इस पूरे स्कूल में ही नहीं बल्कि इस पूरे राज्य में टॉप किया है और तुम्हारी न्यूज़पेपर में फोटो भी छपी है, ये देखो। और तुम्हें पता है सरकार की तरफ से तुम्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, गॉड ब्लेस यू बेटा। टीचर की ये बात सुनकर मीनाक्षी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और जब वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर के सामने कई सारे मीडिया वाले खड़े होते हैं जो उसका इंटरव्यू लेने आए होते हैं। और इस तरह मीनाक्षी उन सब के सवालों का जवाब देती है और मीनाक्षी के माता पिता
उसकी इस पहली कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं। और ऐसे ही मीनाक्षी अपने स्कॉलरशिप की मदद से अपनी 12वीं और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करती है। और कुछ सालों की मेहनत और ट्रेनिंग के बाद मीनाक्षी एक आईएएस अफसर बन जाती है। और उसने जो अपने माता पिता से वादा किया था, आज उसने वो वादा पूरा कर दिया था। और अपने गरीब माता पिता के कदमों में वो इस दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख देती है। और अपनी गरीबी से उठकर वो अपने माता पिता का नाम रोशन करती। जादुई दो पर्स का जादू। रजनी एक बहुत ही गरीब लड़की थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसकी माँ कमला ने ही घर की बागडोर संभाल रखी थी। कमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। कमला अपनी बेटी रजनी से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मुकाम हासिल करवाना चाहती थी, ताकि उसकी बेटी का कल बेहतर हो सके, उसे कमला की तरह दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। कमला ने अपनी बेटी रजनी का दाखिला गांव में एक अच्छे स्कूल में करवाई थी। रजनी पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी, वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी। एक बार रजनी अपनी माँ से कहती है, माँ वो टीचर फीस के लिए बोल रही है, आपने पिछले महीने भी फीस नहीं दिया था। अच्छा तू चिंता मत कर बेटी, आज ही मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, कल तेरे स्कूल जाकर तेरी फीस भर दूंगी। ठीक है माँ, अब मैं जा रही हूँ, शाम को मेरे लिए मीठी रोटी बना देना। ठीक है अब तू जा। रजनी खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और कमला अपने घर के काम को खत्म कर वो भी अपने काम पर चली जाती है। कमला की मालकिन अनुराधा बहुत ही खड़ूस थी। आ गई तुम, आज फिर इतनी देर से आई हो, तुम गरीब लोगों का यही हाल होता है, एक तो तरस खाकर तुम्हें अपने घर पर काम पर रखो, उसके बाद तुम लोगों की नौटंकी चालू हो जाती है, सुबह से घर का सारा काम पड़ा हुआ है। अभी कर देती हूँ मालकिन, वो आज बस नहीं मिली तो पैदल आई हूँ। तुम्हारा तो रोज का यही ड्रामा है, अभी तो छोड़ रही हूँ, अगली बार से लेट हुई तो तुम्हें धक्के मारकर काम से निकाल दूंगी, चलो अब काम करो। कमला जल्दी जल्दी काम करने लग जाती है, तभी गलती से कमला से एक कांच का ग्लास गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर अनुराधा कहती है, अरे क्या तोड़ दी, हे भगवान ध्यान कहाँ रहता है तेरा, मेरा इतना अच्छा ग्लास का सेट खराब कर दिया, लगता है तेरा काम में अब दिल नहीं लग रहा, तू एक काम कर अब घर जाकर आराम कर, चल निकल यहाँ से। गलती हो गई मालकिन, माफ कर दीजिए, मुझे काम से मत निकालिए, कृपा करो मालकिन। ये लो अपने पैसे और निकल जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर नौकरी ढूंढो, तुम्हारे जैसे कामचोर नौकरों की हमें कोई जरूरत नहीं है। कमला रोते रोते वहाँ से घर आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप आज जल्दी घर आ गई? माँ आप आज इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही, वो मालकिन कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है तो मुझे छुट्टी दे दी है, तो वही सोच रही हूँ अब घर में बैठकर क्या करूँगी। अरे माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाऊंगी, उसमें उदास होने की क्या बात है, कुछ ही दिनों के लिए तो बाहर गई है, अब चलो आप बैठो और मैं अभी गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन कमला रजनी के साथ स्कूल जाकर उसका स्कूल फीस तो भर देती है, लेकिन अब उसके पास केवल 100 ही रुपए बचे थे। अब इस 100 रुपए में कैसे घर चलेगा? कुछ दिनों तक तो वो बचे हुए राशन से घर का खर्चा चल जाता है। कमला काम की तलाश में बहुत ही ज्यादा भटकती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रजनी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ किताबें और कॉपियाँ लेनी है। ठीक है बेटा, ये लो 100 रुपए है, जाओ ले आओ। पर माँ अगर ये पैसे खर्च हो गए फिर घर का राशन कैसे आएगा? जैसा ऊपर वाले रखेंगे बेटा वैसे ही रह लेंगे, फिलहाल तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, इसलिए तुम पहले जाकर अपना कॉपी किताब ले आओ। रजनी माँ से पैसे लेकर दुकान की तरफ चल देती है। तभी एक बूढ़ी औरत रजनी से कहती है, बेटी बहुत भूख लगी है, बेटी कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ये सुनकर रजनी बहुत ही सोच में पड़ जाती है।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये अम्मा तो बहुत ज्यादा दुखी लग रही हैं। इनकी मदद करने बहुत जरूरी है, लेकिन फिर मेरा किताब कैसे आएगा और माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? क्या सोच रही हो बेटी? अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो तुम जा सकती हो, मैं किसी और से मदद मांग लूंगी। भगवान के लिए कोई मेरी मदद कर दो। तभी एक महिला उस बूढ़ी औरत को फटकार देती है। अरे हट बुढ़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इतनी अमीर होते हुए तो जैसे भिखारिन को खाना खिलाऊं? भाग यहाँ से। ये देखकर रजनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। आपको शर्म आनी चाहिए एक बूढ़ी अम्मा के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए। अरे आपसे अच्छे तो हम गरीब लोग हैं, कम से कम दूसरों का दर्द तो समझते हैं। आप इतने अमीर होते हुए भी एक भूखे इंसान को खाना तक नहीं खिला सकती, यहाँ तक कि उनसे ढंग से बात तक नहीं कर सकती। तू है अब जैसे अमीर जाति पर। आइए अम्मा, आपको भूख लगी है ना, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। और फिर रजनी अपने पैसे से उस अम्मा के लिए खाना लेकर आती है और उन्हें भरपेट खाना खिलाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान सदा तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। रजनी भी अब घर की तरफ लौट रही होती है, तभी उसे रास्ते में दो चमचमाती हुई दो पर्स दिखाई देता है। पर्स? पर मैं इन पर्स का क्या करूँगी? घर में तो खाने तक को भी पैसे नहीं है, फिर इन पर्स में क्या ही रखूँगी? रजनी ऐसा सोचकर आगे चली जाती है, तभी एक पर्स में से आवाज आती है। रजनी, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। ये मुझे आवाज कौन दे रहा है? पर्स, आप बोल सकती हो? हाँ रजनी, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पर्स हूँ। मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। क्या आप सच में जादुई पर्स हैं? मैं अभी आप दोनों को अपने साथ लेकर चलती हूँ। आपको देखकर मेरी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। रजनी दोनों पर्स को अपने साथ अपने घर ले आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। क्या तुमने एक भूखी अम्मा को खाना खिलाया बेटा? ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। अरे तुम्हारे हाथ में दो पर्स किसके हैं? अरे माँ, मैं तो बताना ही भूल गई। ये दोनों जादुई पर्स हैं, मुझे ये रास्ते में मिले। जादुई पर्स? जी जादुई पर्स, हम दोनों जादुई पर्स हैं। मेरी खासियत ये है कि मुझ में से पैसे कभी खत्म नहीं होते, मैं हमेशा पैसों से भरी रहती हूँ। लेकिन मेरे साथ जो मेरी बहन है वो हमेशा सांप और बिच्छू से भरी रहती है, इसलिए आप सब सिर्फ मेरा ही इस्तेमाल करना और मेरी इस बहन को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना। रजनी और उसकी माँ दूसरे जादुई पर्स को अलमीरा में छुपा कर रख देते हैं और पहले पर्स में हाथ डालकर देखते हैं तो सच में वो पर्स पैसों से भरा था। रजनी उन पैसों से अपनी पढ़ाई का सारा सामान लेकर आती है, फिर घर का राशन लेकर आती है, लेकिन फिर भी उस जादुई पर्स के पैसे खत्म ही नहीं होते। रजनी उन पैसों से घर के जरूरत का सारा सामान ले आती है और उन पैसों से और भी लोगों की मदद करती है। रजनी और उसकी माँ को इतना खुश देखकर उसकी पड़ोसी विमला सोचती है, अरे आजकल तो ये दोनों माँ बेटी बड़ी खुश रहती है, और तो और अब तो इसकी माँ कहीं काम पर भी नहीं जाती है, फिर भी हर रोज घर में एक नया सामान लेकर आती है। आखिर इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? कहीं कोई खजाना वजाना तो हाथ नहीं लग गया इनके? ये सोचकर विमला दोनों माँ बेटी पर नजर रखने लगती है। दोनों माँ बेटी जहाँ भी जाती उस जादुई पर्स को अपने साथ ले जाती। ये देखकर विमला भाग जाती है कि हो ना हो उसका पर्स जादुई है, और फिर वो उस पर्स को चुराने के फिराक में लग जाती है। एक दिन जब कमला और रजनी सो रही थी तभी विमला उसके घर में चुपके से चली जाती है और जादुई पर्स को ढूंढने लगती है। तभी वो अलमारी खोलती है और उसे दूसरा सांप वाला पर्स मिल जाता है। वो उसी पर्स को लेकर अपने घर आ जाती है। अब आएगा मजा, अब मैं भी इस जादुई पर्स की मदद से बहुत अमीर हो जाऊंगी। चलो पहले मैं इस पर्स में से सारे पैसे निकाल कर अपने बक्से में भर लूं, फिर इस पर्स को फाड़ कर ही फेंक दूंगी। विमला जैसे ही पैसे निकालने के लिए पर्स में हाथ डालती है तभी एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। विमला को उसके लालच का परिणाम मिलता है
और कमला और उसकी बेटी रजनी खुशी खुशी उस जादुई पर्स के साथ रहने लगती है। रामपुर गांव में भोला नाम का एक लकड़हारा रहता था। भोला दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटता और साथ ही अपने भेड़ बकरियों को चराता। एक बार भोला जंगल में लकड़ियां काटते काटते बहुत ही ज्यादा थक गया तो उसे बहुत ही तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वह जंगलों में काफी आगे निकल गया। तभी उसे नीलगिरी पर्वत के पास एक झरना दिखाई दिया। झरना देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। वो नदी के पास गया। पहले उसने अपनी बकरियों को पानी पिलाया और बाद में खुद भी पानी पिया। तभी उस नदी में रहने वाली जामिनी चुड़ैल की नजर भोला पर पड़ गई। भोला का मनमोहक और भोला का भोला चेहरा उसे बहुत ही प्यारा लगा और वो उसे देखकर मन में सोची, ये इंसान तो बहुत ही भोला भाला और अच्छा लग रहा है। अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो ये मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे भी मैं इस नदी में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ। तभी दूसरी चुड़ैल यामिनी से बोली, देखो यामिनी, हम चुड़ैले हैं और हमें इंसानों से नफरत है। हम सिर्फ इंसानों को खा सकते हैं, उससे विवाह नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम्हें अपना शौक पूरा करना है तो करो, मुझे इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस झील में ही खुश हूँ। ये सुनकर यामिनी बोली, नहीं नहीं बहन, ये लकड़हारा बहुत ही सीधा साधा और भोला है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं कुछ दिन इस लकड़हारे के साथ विवाह करके पृथ्वी लोक पर रहूं और पृथ्वी लोक का आनंद लूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर यामिनी बहुत ही खुश हो जाती है और लकड़हारे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। सीधा साधा भोला चुड़ैल के लंबे बाल और उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। भोला उस लड़की का पीछा करते करते उसके पास गया और हिम्मत करके बोला, आप तो किसी अप्सरा से कम नहीं। मैंने आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वैसे तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे खाने की कुछ रोटियां रखी हैं। आप चाहे तो हम इसे मिलकर खा सकते हैं। ये सुनकर यामिनी हंसते हुए भोला के हाथ से रोटी ले ली और फिर बड़े ही प्यार से बोली, मेरे प्यारे लकड़हारे, तुम्हारी ये रोटी मेरे नाजुक और मुलायम दांतों के लिए बहुत ही सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकती। इतना बोलकर यामिनी ने लकड़हारे को उसकी रोटी वापस कर दी और हंसते हुए झील में वापस चली गई। अगले दिन भोला फिर उसी झील के किनारे गया और उस खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज भोला ने उस लड़की के लिए अपने हाथों से बहुत ही मुलायम रोटी बनाई थी। कुछ देर के बाद वो लंबे बालों वाली लड़की फिर नदी से बाहर आई। उसके बाहर आते ही भोला ने उसे अपने हाथों से बनाई गई रोटी खाने को दी। आज भी उस चुड़ैल ने भोला के हाथ से रोटी ले ली, लेकिन फिर से उसने लकड़हारे की रोटी वापस करते हुए उससे कहा, तुम्हारी ये रोटी ठीक से पकी हुई नहीं है, मैं इस रोटी को नहीं खा पाऊंगी। और फिर वो हंसती हुई झील में चली गई। ये देखकर भोला बहुत ही उदास हो गया। मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत करके इतनी मुलायम रोटी बनाई थी, फिर भी ये इस रोटी को नहीं खा पा रही है। तभी भोला की नजर झील के पानी में तैर रही एक रोटी पर गई। भोला जल्दी से उस रोटी को उठाकर अपने पास रख लिया, क्योंकि भोला किसी भी तरह से उस नदी वाली जादुई लड़की को प्रभावित कर उसे पाना चाहता था। अगले दिन वह उसी रोटी को लेकर फिर से उसी झील के किनारे आता है और उस लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब यामिनी आती है तो वो वही रोटी उसे खाने को देता है। इस बार यामिनी ने भोला की दी हुई रोटी खा ली और वो रोटी खाकर बहुत ही खुश हुई। उसने खुशी खुशी लकड़हारे से कहा, प्यारे लकड़हारे, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, कृपया करके तुम मुझे इस झील से दूर अपने साथ ले चलो। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, कृपया कर मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं जल्दी ही तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पूर्णमासी की रात शादी करके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी।
इतना बोलकर यामिनी फिर से झील में चली गई और भोला खुशी खुशी पूर्णमासी का इंतजार करने लगा। पूर्णमासी आने पर भोला यामिनी से शादी कर उसे अपने घर ले गया। यामिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। मैं भी पृथ्वी पर रहने वाली बाकी पत्नियों से अच्छी पत्नी बनकर आपके साथ रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने मुझे बिना किसी कारण के मारा तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी पत्नी को कभी बिना किसी कारण के नहीं मारेगा। और फिर उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगे। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन भोला को यामिनी से कोई संतान नहीं हुआ। एक बार गांव के सभी लोगों को राजा के यहाँ से भोज का निमंत्रण मिला। सभी लोग खाना खाने के लिए राजमहल की तरफ जा रहे थे, तभी यामिनी भोला से बोली, सुनिए, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और पैदल नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, तुम अगर पैदल नहीं चल सकती हो तो तुम इस घोड़े पर बैठकर तो चल ही सकती हो। हाँ, घोड़े पर बैठकर तो जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको घर से मेरी दस्ताने लाने होंगे, फिर मैं घोड़े पर बैठकर आ जाऊंगी। यामिनी की बात सुनकर भोला भागता भागता यामिनी के लिए दस्ताने लाने चला गया। जब वो दस्ताने लाकर लौटा तब उसने देखा कि यामिनी अभी तक घोड़े पर नहीं बैठी है। तब उसने प्यार से यामिनी की पीठ पर मारते हुए बोला, अरे यामिनी, तुम अभी तक यही हो, तुम गई क्यों नहीं? जाओ, जल्दी जाओ, सब लोग पहुंचने वाले होंगे। देखो, आपने मुझे पहली बार किसी कारण के मारा है। पहली बार तो मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अच्छा बाबा, ठीक है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक बार भोला को अपनी बहन की शादी में यामिनी के साथ दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वो यामिनी के साथ शादी में पहुंचा, तब अचानक यामिनी जोर जोर से रोने लगी। अब इतने खुशियों के माहौल में यामिनी को रोता हुआ देखकर भोला ने प्यार से यामिनी के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा, अरे भाई, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि ये सारे लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं और कुछ दिनों बाद ये मुश्किल तुम्हारे ऊपर भी आने वाली है, क्योंकि तुमने मुझे आज दूसरी बार फिर से बिना किसी कारण के मारा है। कृपया सावधान रहो, क्योंकि अगर तुमने तीसरी बार फिर से ऐसा किया तो वो आखिरी बार होगा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर भोला बहुत ही डर गया और उसने मन में वादा किया कि वो अब ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। लेकिन एक बार जब भोला किसी के दाह संस्कार में गया तो गम से भरे माहौल में अचानक से यामिनी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे हंसने का दौरा पड़ा हो। भोला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी हंसती रही। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को यामिनी पर बहुत ही क्रोध आया और फिर भोला सब कुछ भूल गया और उसने गुस्से में यामिनी को एक थप्पड़ जड़ दिया। यामिनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये कोई हंसने का समय है? मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ, जो मर गया है उसकी तो मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन अब तुम्हारी मुसीबत का समय आ गया है। भोला, क्योंकि तुमने मुझे तीसरी बार मारा है, इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी शादी खत्म। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यामिनी, मुझे माफ कर दो। रुक जाओ, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन यामिनी ने भोला की एक नहीं सुनी। वो जल्दी से घर आई और अपने पहले वाले कपड़े पहने और जब तक भोला उसे रोकता वो दौड़ते हुए जंगल की तरफ गई और झील में जाकर कूद गई और कभी वापस नहीं आई। भोला वहाँ बैठकर बहुत दिनों तक यामिनी को पुकारता रहा, पर यामिनी कभी लौटकर वापस नहीं आई। गांव वालों ने भोला को बहुत समझाया कि अब वो कभी लौटकर नहीं आएगी, अब उसे भूलकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन भोला यामिनी को बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। वो हर रोज उस झील के किनारे जाता और यामिनी के लौटने का इंतजार करता। ऐसे ही कई साल बीत गए और भोला बूढ़ा हो गया, लेकिन वो यामिनी को अभी भी नहीं भूल पाया था। वो अभी भी उस नदी के किनारे उसका इंतजार करता।
रोज की तरह ही एक दिन भोला नदी के किनारे बैठकर यामिनी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक लहर उठी और झील के बीचों बीच वही सुंदर लंबे बालों वाली यामिनी खड़ी हुई दिखाई दी। प्यारे भोले, तुम्हें नहीं पता मैं इस नदी की चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार को देखते हुए मुझे ना चाहते हुए भी वापस आना ही पड़ा। चुड़ैल और इंसान का विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इतने वर्षों रहने के बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया और मैं तुमसे हार गई और मैं तुम्हारे आगे पूरी तरह से झुक गई हूँ। भोला, मैं इंसानों की बस्ती में आकर अब और दिन नहीं रह सकती, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए इस नदी में आकर रहना पसंद करोगी? यामिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसके बाद यामिनी हमेशा हमेशा के लिए भोला को लेकर उस नदी में समा गई और इस तरह से भोला उस चुड़ैल के साथ हमेशा के लिए नदी में खुशी खुशी रहने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।